हाँ जी देखें जरा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, हम इस मेथड के बारे में समझ रहे हैं। तो बच्चे इसमें सिंपल का मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया कि इसमें ओनली प्राइस गिवन होगा, क्वांटिटी नहीं होगा। बात करते हैं एवरेज की। देखिए फॉर्मूला ना ऐसे रटा नहीं जाता है, समझेंगे तो फॉर्मूला आपके जहन में हमेशा बैठा रहेगा। बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज बेसिकली दो, एवरेज के जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम। एवरेज के दो पार्ट्स हो गए बेसिकली, एक तो आपके पास इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब यह हो गया कि डेटा का आप सम कर दें और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने ऐड करे हैं उन सब में आप इक्वली शेयर कर दो, तो जो ईच के शेयरिंग में आएगा उसको हम एवरेज कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्लासरूम है, मैं इसका अगर एक एवरेज एज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो जितने भी स्टूडेंट मेरे सामने हैं मेरी क्लास में, मैं सबकी एज का सम कर दूंगा। ऑब्वियसली सबकी एज कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट तो होगी, किसी में 2 महीने का फर्क, किसी में 6 महीने का, किसी में 1 साल का, डिफरेंट होगा। हाँ किसी की सेम भी हो सकती है, बट जो भी है मैंने उसका सम करा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां पर जो ईच स्टूडेंट के ऊपर शेयरिंग आएगी उसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे, हम उसको एवरेज कहेंगे। मैं मानता हूं इस चीज को कि सारे बच्चे उस एज के नहीं है लेकिन उसके आसपास, और एवरेज का बस इतना ही रोल होता है कि आप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए कि आपके ग्रुप का जो डेटा है बेसिकली किसके नियरेस्ट है या फिर किसके आसपास है। तो एवरेज का रोल ही इतना होता है किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एवरेज के लिए। मैं एक एग्जाम्पल पहले ही ऊपर सेट कर देता हूं। मान लीजिए कि आपको एवरेज लेना है और आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा 2 है, एक डेटा आपके पास में 8 है, इसका एवरेज लेना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 + 8/2, 2 ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5। ये आपका एवरेज हो गया। क्लियर है बच्चे? सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का सब्स्टिट्यूट एक और चीज होता है, इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ये मैं करवाऊंगा आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 2 टॉपिक आपके हैं, इसको मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझिए जितना इंडेक्स नंबर का यूज करने के लिए हमें नीड है, क्योंकि आगे ज्योमेट्रिक मीन का कोई यूज ही नहीं है इंडेक्स नंबर में। और अभी हम ज्योमेट्रिक मीन को पूरा डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन में फिर क्या पढ़ेंगे, और फिर इंडेक्स नंबर जो है कहीं ना कहीं उससे आप जो है थोड़ा सा आप हट जाएंगे, इसलिए इंडेक्स नंबर को इंडेक्स नंबर रहने देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को इतना पढ़ लेते हैं जितना इंडेक्स नंबर में इसका यूज है। बस लॉजिक क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सही बातों की चर्चा हम ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक पर ही करेंगे। फिलहाल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट ऑफ अर्थमेटिक मीन। भैया अगर आपको चाय नहीं मिली तो आपने क्या करा, कॉफी पी ली, सब्स्टिट्यूट कर लिया। बॉल पेन नहीं मिला, आपने जेल पेन से लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो काम अर्थमेटिक करता है, अर्थमेटिक मीन करता है, सेम वही काम ज्योमेट्रिक मीन भी करता है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर है जिससे पता लग जाता है ग्रुप के जो डेटा है लगभग किसके नियरेस्ट है, उसको भी ज्योमेट्रिक मीन ही कहते हैं। बस कैलकुलेशन का मेथड अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन में जो डेटा है, इसमें तो अर्थमेटिक मीन में मेरे पास जो डेटा था उसका मैंने फॉर्मुला क्या लगाया, अर्थमेटिक मीन में जो मेरे पास में डेटा था, अगर आप देखेंगे एक तो मेरे पास में ए है और एक बी है, ये एग्जाम्पल है, और इसका मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी दोनों डेटा को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर देखें आप तो एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में 8 और 2 है, तो क्या करने वाला हूं मैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, यहां पर 8 + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो मैं यहां पर 5 कर दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन की ही बात कर लेते हैं कि कुछ इसके अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके अपने एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक मीन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास में एक ए है और एक बी है, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो इससे निकालने का मेथड क्या हो जाएगा, आप दोनों को आप मल्टीप्लाई करें बच्चे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर करके और आप इसके ऊपर पावर, जितने नंबर है उतना ही इसके ऊपर पावर आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे?
तो आप इसके ऊपर बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन कितने ऑब्जर्वेशन, दो, तो पावर इनवर्स पावर होता है 1/2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर करके बता रहा हूं ऐसा क्यों करते हैं, ये तो इसका मैं डेरिवेशन आपको दूंगा ज्योमेट्रिक मीन में, इसी को सिंप्लीफाई कर करके मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या होने वाला है। तो इसमें आपके पास में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लॉग, ये जो पावर है आपके पास में नीचे आ जाएगा, जो भी पावर आपके पास में जो एन है, लॉग या फिर समीशन ऑफ डेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी, या फिर मैं कर देता हूं लॉग, एक काम करते हैं ना, लॉग ए प्लस लॉग बी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, और इनटू में हम यहां पर कर देते हैं एंटी लॉग। ये दोनों फॉर एक ही चीज है, दोनों दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। तो ज्योमेट्रिक मीन के दो फॉर्मूले हो गए आपके पास में, एक तो लॉग ए प्लस लॉग बी डिवाइडेड बाय एन एंटी लॉग। आज थोड़ा सा स्क्रीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लर दिख रहा है, क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है तो मुझे बताएं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरे ब्लर आ रहा है। क्लियर है बच्चे, ऐसा क्यों दिख रहा है जी, क्या आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है? यस सर, क्लियर नहीं हुआ है ना। चलिए मुझे आप दो मिनट देंगे, आप पहले मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है इतना तो। ठीक है जी, अब बाद में इसको और अच्छे कर लेंगे, अभी फिलहाल हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इतना तो है कि क्लास आराम से हो जाएगी। हाँ जी बच्चे देखिएगा, तो आपके पास में एवरेज को कैलकुलेट करने के बेसिकली आपके पास में दो मेथड्स हैं, एक तो अर्थमेटिक मीन और एक आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्रुप का डेटा अप्रोक्सीमेट किसके नियरेस्ट है। और आपके पास अर्थमेटिक मीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ज्योमेट्रिक मीन का भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन है क्या। अब यहां पर आपको एवरेज का मीनिंग क्लियर हुआ, फिलहाल आपके इंडेक्स नंबर में एवरेज को हम किस तरीके से यूज करेंगे, दो तरीके से। अब प्राइस रिलेटिव का मतलब समझते हैं कि प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या है। देखिए बच्चे यहां पर आप क्लियर करिए पहले प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन, जहां पे प्राइस को हम रिलेट करेंगे। अब जब हम किसी एक को दूसरे से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं किसी कमोडिटी की प्राइस का, तो पहले प्राइस 10 रुपए हुआ करता था, आज के टाइम पर करंट ईयर प्राइस P1, क्योंकि अगर आप पहले वाले प्राइस को ले रहे हो वो बेस ईयर हो गया जिससे आप कंपेयर करते हैं, उसको P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट वाले प्राइस की बात कर रहे हैं वो आपका करंट ईयर प्राइस हो गया, उसे P1। ये दो अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइस को तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि आज का प्राइस कंपेयर अगर आप करते हैं, कंपेयर बच्चे होता कैसे इस बात को समझिएगा, जिसके बारे में अगर आपको जानना है, आज का प्राइस के बारे में जानना है, तो आज का ये आपका ऊपर आ जाएगा, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, बेस ईयर से, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आ जाता है। क्लियर है बच्चे, बात समझ गए? आप एक बार बताएं जरा, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले आप इसको सुनिए। ए और बी, एक की इनकम 10,000 रुपए है और एक की इनकम 20,000 रुपए है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बी की इनकम ए की इनकम का कितना टाइम्स है, बी की इनकम, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स है, क्योंकि आप बी के बारे में जान रहे हैं, तो बी को आपने ऊपर रखा और ए को नीचे डिवाइड कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि ए की इनकम बी की इनकम कितना टाइम्स है, ए की इनकम, तो आप बोलोगे सर हाफ है, 0.5 टाइम्स है, तो आप ए के बारे में जानो तो ए को ऊपर रखोगे। तो इसीलिए जब भी जिसके बारे में जानना होता है नोमिनेटर में, जिससे कंपेयर होता है डिनोमिनेटर में, और अब ये क्या हो जाएगा, ये रिलेट हो जाएगा, मतलब कंपेरिजन हो जाएगा, और इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बस 100 कर दो, तो सॉल्व करेंगे अगर आपके पास पे तो ये क्या हो गया 120%। इसलिए प्राइस क्या हो गया, प्राइस रिलेटिव हो गया। तो अब इस पूरे मेथड का नाम समझिए आपके पास में क्या होने वाला है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल है क्योंकि भैया वेटेज है नहीं, अनवेटेड है। सिंपल एवरेज, एवरेज से कितरो करना है आपने, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है, क्वेश्चन पे आके बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा, हाँ जी,
इसको थोड़ा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कॉलम को आगे करते हैं, एक आपके पास में बेस ईयर प्राइस है, और यहां पर आप अपना जो है पी निकाल लेंगे। चलिए देखिए आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, अपने पास में आप अपने पास में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बेस ईयर प्राइस है ये क्या हो गया आपका पी जीरो, और ये करंट ईयर प्राइस है तो क्या हो गया आपका पी वन। और अब आप यहां देखेंगे आप क्या निकालिए, यहां पर सिर्फ पी निकालिए कि पी कैसे निकलेगा, यहां पर आप पी निकालें, पी कैसे निकलेगा आपका, आपका पी ऐसे निकलेगा, छोटा कर दिया है तो यार काफी, पी इक्वल्स टू आपके पास में पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। क्लियर है बच्चे, इसको आप रिलेट कर रहे हैं ना पी को, पी इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। तो ये बच्चे हमें यहां पर मेसी को कंटिन्यू कर देता हूं। देखिए तो सबसे पहले आपके पास में ये बेस ईयर प्राइस है, तो इसको आप क्या बोलेंगे P0, और ये करंट ईयर प्राइस है तो इसको आप क्या बोलेंगे P1, और यहां पर आप P निकालेंगे, P मींस क्या होगा, कंपेयर करेंगे, प्राइस रिलेटिव करेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे आएगा आपके पास में, प्राइस रिलेटिव का मतलब आपके पास होंगे P1 अपॉन P0 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से, अगर आप यहां पर फर्स्ट में निकालेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका रहने वाला है क्या 30 डिवाइडेड बाय 20 और इंटू 100, तो कितना आपके पास में आएगा 125%। कितना आएगा आगे आपके पास में, इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपके पास में 5 और 150% हो गया। परसेंटेज में निकालना है आपने सबको। इसी तरीके से अगर आप करते हैं सॉल्व तो 55 अपॉन 45 इंटू 100, तो सबको आपने ऐसे ही निकालना है 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो कितना आपके पास में है 122.22%। और इसी तरीके से आपको 75 अपॉन 50 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे आपके पास में 150%, और आपके पास में 70 अपॉन 60 इंटू 100, तो आपके पास में 70 अपॉन 60 इंटू 100, तो आपके पास में 116.66%, और 90 अपॉन 85 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे 90 अपॉन 85 इंटू 100, तो 105.88। बच्चे देखिएगा इतनी, क्योंकि मैं कोई YouTube का शॉर्ट्स नहीं बना रहा हूं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन दिया, फॉर्मल लिखा चला गया, मैं यहां पर आपका पेड कोर्स में आपका कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं, जैसे के स्कूल में होता है, जैसे आपके ऑफलाइन कोचिंग में होता है। तो हर एक चीज करना है, हर चीज कैलकुलेट करना है, पूरे स्टेप्स को फॉलो करके पूरे क्वेश्चन को करना है, बात समझे। तो ये कोई शॉर्ट्स नहीं है जिसमें कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं, क्लास ऐसे ही होती है, आपका सिलेबस कवर होगा। हाँ जी, 105.88%। अब यहां पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास में 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्व करेंगे आप यहां पे 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 108.33% 108.33%।
ये आपके पास में आ गया। तो ये आपने क्या निकाला बच्चे, सबसे पहले आपने यहां पर पी निकाला। अब प्राइस रिलेटिव हो गया, अब आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो एवरेज किसका निकालना है, प्राइस रिलेटिव का निकालना है एवरेज। तो एवरेज किसका निकालना है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इस बात को जरा समझिएगा। तो आपको अपना एवरेज किसका निकालना है, तो बच्चे आपको अपना एवरेज जो है, एवरेज किस चीज का निकालना है, इस बात को समझिए, किसका, प्राइस रिलेटिव का निकालना है। तो प्राइस रिलेटिव तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। नाम से क्लियर होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जिसका एवरेज निकालते हैं उन सबको हम सम करते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं नीचे, समीशन ऑफ पी। क्लियर है बच्चे? तो समीशन ऑफ पी क्या हो गया, समीशन ऑफ पी आपके पास में 150 प्लस 122.22 प्लस 150 प्लस 116.66 प्लस 105.88 प्लस 108.33। तो क्या आया आपके पास में, 753.09। अब आप कहेंगे सर एवरेज तो दो तरीके का है, तो एवरेज आपका दो तरीके का, मैं बिल्कुल मानता हूं, एक अर्थमेटिक एक ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहां पर सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन, किसके थ्रू कर रहा हूं मैं ये आपका, ये मैं कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब आपके पास में अर्थमेटिक मीन में पहले एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव है ये, रिलेट करा, इसका मैंने एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, सिग्मा पी देखिए बच्चे आप सॉल्व करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ पी जो आपने समीशन करा इसका, क्लियर है बच्चे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय कर देंगे एन, जितने आइटम्स हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास में, आइटम है आपके पास में 5 1 2 3 4 5 6 6 है, तो डिवाइडेड बाय एन। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा P01 प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे आप लोग। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आपके पास में आने वाला है 753.09 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए फॉर्मूले को अगर आप समझते हैं अच्छे से, 753.09 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपका रहा बच्चे 100। मीनिंग को समझ, देखिए मैं इसलिए मैं तो सीधा फॉर्मूले से भी करवा सकता हूं, लेकिन फॉर्मूला दिमाग से निकल जाएगा, तो थोड़े दिन तक याद रहे या फिर आपको एकदम से आपको याद हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप समझ समझ के पढ़ें। ये तो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं आपका विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जरा समझते हैं इस चीज को। सेम क्वेश्चन है, यहां पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, हमें तो एक लॉग की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का आपने फॉर्मूला देखा है आपने, तो कोई बात नहीं। अभी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आप जब करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी इतना जरूर पता लग जाएगा करना कैसे है। इसलिए बच्चे अभी सिर्फ इतना ही देखो जो प्रोसेस बता रहा हूं, जब ज्योमेट्रिक मीन को आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बेसिक अर्थमेटिक का एक सब्स्टिट्यूट है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे पी है ना, इस पी की वैल्यू को मुझे किसमें लेकर जाना है, लॉग पी में। इसका मतलब क्या हुआ, 150 122 इन सबको मुझे क्या करना है, इन सबको मुझे लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये 3, 2, 5 डिजिट है, तो मैंने बताया था लॉग टेबल में जब भी वैल्यू देखते हैं तो 4 डिजिट का 3 डिजिट का 8 डिजिट का 5 डिजिट का नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए, मैं लॉग की वैल्यू, आपके पास में लॉग टेबल है, पीडीएफ है, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप प्रिंट आउट ले लेंगे लॉग टेबल का, कभी भी आप बैठते हैं तो आप प्रिंट आउट ले लें। बार बार मैं एक स्मार्ट बोर्ड पे आगे पीछे करूंगा तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे, तो इसलिए जो है आप लॉग टेबल की वैल्यू रखें अपने पास में। मैंने आपको शेयर कर दिया है, कंटेंट में लगा दूंगा, और अभी तो फिलहाल आप लॉग टेबल को
मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपने। फिलहाल इतने सारे एक तो है नहीं जो आपको एक्सप्लेन करूं, ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने लॉग टेबल दिखा के सॉल्व करवाया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे आप 150 का सबसे पहले, तो मतलब 15 पे जीरो, लॉग टेबल की अगर मैं बात करूं तो 15 पे जीरो, अगर मैं लॉग टेबल की एंटी लॉग टेबल है लॉग टेबल की बात करें, अगर 15 पे जीरो अगर आप देखते हैं ये रहा, चलिए लॉग टेबल 15 पे जीरो क्या आपके पास में 1761, क्या बच्चा आपके पास में 1761 1761 कितने डिजिट है आपके पास में? यहां पर आपके पास में 3 डिजिट है, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, क्योंकि लॉक टेबल है आपके पास में, समझे बच्चे। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे 122 का भी आप निकाल सकते हैं यहां पर। तो मैं लॉक टेबल से कर रहा हूं, बार बार आगे पीछे नहीं कर, एक बार समझा चुका हूं आपको बच्चे, आप इसको देखिएगा जो भी बच्चे हैं क्लास में या जिनकी फर्स्ट क्लासेस है, प्लीज आज आपकी ये सेकंड क्लासेस है तो फर्स्ट क्लासेस को एक बार देखिएगा, उसमें मैंने लॉग कैलकुलेट लॉग टेबल को देखना सिखाया था, और अभी मैं डायरेक्ट जो है लॉग टेबल से ही इसको करवा रहा हूँ। लॉग टेबल तो आपके बिजनेस मैथ्स के अंदर है और ये मेरे पास में हाँ है, ठीक है लॉग टेबल। अब मेरे पास में किस पे देखना है मुझे 122.2 पे देखना है, 122.2 आप लेके चलिए, पॉइंट अवॉइड करो पहले 12 पे 2 फिर 2, पहले 12 पे 2 देखूंगा मैं, तो 12 पे मैं 2 देख रहा हूं, तो मेरे पास में नजर आ रहा है 0864, फिर उसके बाद मुझे 2 पे जाना है, तो इसी में मुझे 2 पे जाना है, तो 7, तो 7 मैंने ऐड करा, तो 7 4 11 और 1 और ये 7 और ये आपके पास में 8 और ये 0, तो अब मेरे पास में क्या आया ये 080871 और 3 डिजिट है ना पॉइंट से पहले, तो उसमें से जितने भी नंबर डिजिट है उसमें से क्या करो माइनस 1 कर दो, दिस वन सिमिलर 150 से फिर से ही आ जाएगा ना 2.1761। 116 अब आपको किस पे देखना है, आपको देखना है 116.6, 6 को छोड़ दो, पहले आप देखो 11 पे जाओ तो 11 पे आपको क्या मिला 11 पे आ गया, उसके बाद आप 6 कॉलम में जाओ तो 11 पे आप 6 कॉलम में गए तो आपको मिला 0645 0645, उसके बाद आप फिर 6 मीन डिफरेंस में जाओ और 6 पे जाओ तो 11 पे मीन डिफरेंस पे 6 पे गए हम, तो क्या मिला आपको मीन डिफरेंस पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 23, तो इसमें 23 आप जो है वो आप ऐड कर दो, तो 23 आपने यहां पर ऐड करा 6 पे तो आपके पास में 8660, तो आपके पास में यहां पर क्या आया 8660, 3 डिजिट है तो ये 2 पॉइंट समथिंग। अब वैसे ही फिर 105 पे आप जाएंगे 105.8, 4 डिजिट मैक्सिमम लेते हैं ना 5 डिजिट नहीं लेते, तो पहले 10 पे जाइए 10 पे 5वें कॉलम पे 10 के 5वें कॉलम पे आपका 0212 0212, उसके बाद आप मीन डिफरेंस में 8वें पे चले जाएंगे तो 8वें पे 33, तो सॉल्व करेंगे आपका 5420, तो क्या आपके पास में आया 0245, 3 डिजिट है तो 1 माइनस कर देंगे 2। अब ऐसे ही आपके पास में किस पे जाना है आपने, आपको जाना है 108.3। बच्चे जो कह रहे हैं कमेंट से आप बोले, चलिए 108.33 पे, तो आप 10वें पर 8वें पे जाइए 10 पे 8वें पर आप जाएंगे तो 0334, और उसके बाद आपके पास में जो है मीन डिफरेंस में थर्ड पे चले जाइए तो मीन डिफरेंस में थर्ड पे चले जाएंगे 12, तो सॉल्व करेंगे 6 4 3 और 0, तो आपके पास में क्या आएगा यहां पर 0346 और 3 डिजिट है तो 2 डिजिट आ जाएगा दिस वन। अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि आपके पास में इसका फॉर्मूला अप्लाई है, आपने पी निकाला तो समीशन आप क्या कर देंगे यहां पर, आप समीशन करेंगे आप अपना समीशन ऑफ लॉग पी, तो समीशन ऑफ लॉग पी करेंगे अगर आप तो आपका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं 2.1761 प्लस 2.0871 प्लस 2.1761 प्लस 2.0668
प्लस 2.024025 प्लस 2.0346। तो सॉल्व करते हैं 12.5652 दिस वन। अब आपके पास में यहां पर आप क्या निकालने जा रहे हैं अपना P01 और आप ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू निकाल रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे आप, आपके पास में पहले आएगा एंटी लॉग दिस वन। अब इसके अंदर काम होगा आपका 1/n और इसमें आपके पास में आएगा समीशन ऑफ लॉग पी अपॉन एन दिस वन, क्योंकि आप इसका समीशन आपने करा है और डिवाइडेड बाय एन। एन से क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास में एवरेज आ गया थ्रू द ज्योमेट्री मेथड। लेकिन उसके बाद आप उसका एंटीलॉग क्यों निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एंटीलॉग आप क्यों निकालोगे, कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो पावर 1/2 को नीचे लाने के लिए बोथ साइड में लॉग लूंगा। तो ये 1/2 तो नीचे तो आ जाएगा मेरे पास में जो n है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन के आगे लॉग रह जाएगा। फिर इस लॉग को लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो एंटीलॉग बन जाएगा। उसमें डिटेल में समझेंगे, मतलब फिलहाल अभी फॉर्मुला भी आप इसको फॉर्मुला देख लो, आगे कोई यूज नहीं है इसका। P01 इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन ऑफ लॉग पी 12.5652 अपॉन एन, कितने आइटम्स है, 6 आइटम है दिस वन। तो P01 इक्वल्स टू आपके पास में 12.5652 सम डिवाइडेड बाय 6। तो क्या है आपके पास में एंटी लॉग 2.0942 ये आया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे P01। तो सबसे पहले आपके पास में आप पॉइंट को आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, आप 4 डिजिट अपना ले लें। तो 4 डिजिट आप बेसिकली लेंगे, तो कौन से 4 डिजिट लेंगे, ये ले लीजिए। तो 20 पे 9 फिर चौथे पे चले जाइए आप। तो एंटी लॉग अगर आप निकाल रहे हैं, मैं लास्ट क्लास में सिखा दिया था, बच्चे उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। एंटी लॉग किस पे जाना है आपको, एंटी लॉग में 20 पे जाना है। तो 20 पे अगर आप गए और 20 पे आपको 9 कॉलम में आना है, तो 20 पे आप आए 16 18 और आपके पास में मीन डिफरेंस क्या, आपके पास में 20 पर 9 पे का 4 है 1, तो 1619। तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में आए हैं बच्चे 1619। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज आप इस चीज को पूछेंगे। अब आप यहां देखेंगे क्या है कि आपके पास में पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले क्या है आपके पास में 2 है, तो इसमें प्लस 1 कर दो तो 3 आ गया। तो मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 दिस वन, तो 160 पॉइंट ये दिस वन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर हो गया ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू। पेपर में ये आ सकता है, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ाऊंगा तो आपके मन में सवाल बस करना तो आपको आ गया, क्योंकि आपको लॉग पी कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम पी का लॉग पी। तो लॉग पी हम कैसे निकालेंगे, आपको लॉग टेबल में देखना सिखा दिया है। तो आप इसको लॉग टेबल के थ्रू इनकी वैल्यू आप रख सकते हो, पहली चीज। समीशन कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से। अब सवाल यह कि फॉर्मूला कैसे बना, इस सवाल का जवाब आपको ज्योमेट्रिक मीन में ही मिलेगा सही तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में समीशन ऑफ लॉग पी रख लिया, डिवाइडेड बाय एन रख लिया। अब ये एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको इंडेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास में सिखा दिया। तो जितने रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन करने का उतना बता चुका हूं, डिटेलिंग और सेटिस्फेक्शन के। अब ये कहां से आया फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का, तो उस फॉर्मूले के लिए आपको मैं ज्योमेट्रिक मीन में अच्छे से डिटेल आपको दूंगा। क्लियर है, हाँ जी। लॉग टेबल आपको पेपर में ही मिल जाएगा, क्लियर है बच्चे। तो लॉग टेबल आपको एग्जाम्स में ही मिल जाने हैं। लॉग टेबल आपको एग्जाम के अंदर ही मिल जाएगा।
ट्वेंटी पे नाइन, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। एक गड़बड़ करिए बच्चे, देखिए लॉग टेबल में यहां पे सामने से देखिए, आपके पास में क्या निकालना है, आपने एंटी लॉग निकालना है। किसका निकालना है आपको एंटी लॉग? 12.5652, दिस वन डिवाइडेड बाय 6, 2.0942। ठीक है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं? एंटी लॉग कभी भी अगर आप लो तो पॉइंट के बाद वाले का लेते हैं हम, 0942 बस इसका लेते हैं एंटी लॉग। तो आपके पास में इसका लोगे तो 09 पर 4, तो आपके पास में एंटी लॉग पे अगर आप देखें, ये लॉग टेबल है आपके पास में, तो आप एंटी लॉग देखते हैं तो एंटी लॉग में आपका 09, तो 09 पर आप चले जाइए तो आपके पास में, और उसके बाद आपको फोर्थ कॉलम पे जाना है, तो 09 पर आप फोर्थ कॉलम पे चले जाएंगे, तो 124 दो, 124 दो, और मेन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो आप मेन डिफरेंस वाले पे चले जाएंगे 2 पे, तो क्या 1 है, तो क्या है आपका 124 और 3। तो आपके पास में बेसिकली इसका अगर आप लेते हैं, इसका अगर आप क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाले का लेते हैं हम दिस वन, तो क्या है आपके पास में 1 2 4 3। ये अब यहां पर क्या आपके पास में 2 है, तो इसमें ऐड कर दो 3, 3 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा दिस वन, तो P01 ये आया। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट होता है ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके पास में एक नंबर यहां पे क्या है विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन, और यहां पर क्या है आपका विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो दोनों क्योंकि एक ही काम के लिए यूज में आते हैं तो दोनों का में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चे, समझे? आज आपकी सेकंड क्लासेस है, सारा आपके फोल्डर में मेंटेन हो रहा है कंटेंट, आप अपने कंटेंट में जाके देखें, लाइव में नहीं, लाइव में तो कुछ रीनेम नहीं होता, लाइव में फोल्डर नहीं होता है, आप अपने स्टडी हेलो ठीक हेलो ठीक है बच्चे, देखो बच्चे आपके पास में आप अपनी क्लासेस को लाइव क्लासेस में जाके मत देखा करें, तो अभी क्लास ले रहा हूं लाइव में है, अभी तो आप लाइव ही अटेंड करोगे, पर बाद में किसी को क्लासेस देखनी हो तो आपके पास में कंटेंट नाम का ऑप्शन भी होगा, कंटेंट में जाइए, उसमें आपका प्रॉपर एक आपके फोल्डर होगा लाइक इंडेक्स नंबर, उसमें अगर आप जाएंगे तो इंडेक्स नंबर है क्लासेस 1 इंट्रोडक्शन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के नाम से होगा, एक आपके पास में वीडियोस की होगी, और प्लस में जिस क्वालिटी में आप अभी देख रहे हैं इस क्वालिटी को काफी अच्छा बढ़ा कर करके उस कंटेंट में डाला जाता है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो क्लास 1 में पढ़ाया जैसे बोर्ड पर है, तो इसकी पीडीएफ सेम जो मैंने लिखा हुआ है सेम पीडीएफ क्लास 1 की जितना पढ़ाया है उतने ही पीडीएफ आपको उसके नीचे मिल जाएगी क्लास 1 में, फिर क्लास 2 का फोल्डर होगा इंडेक्स नंबर में जो आज मैंने पढ़ाया है, तो क्लिक करोगे तो इसका नाम होगा फोल्डर के ऊपर क्लास 202, और इसका नाम भी होगा आपके पास में एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड नाम होगा आपके पास में, और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास में वीडियो मिल जाएगी जो मैंने आज पढ़ाया, और प्लस में वो कंटेंट मिल जाएगा, तो यही तो फायदा है, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है पेड कोर्स में, बच्चा ज्यादा परेशान नहीं होता कि भैया कहां पर क्या ढूंढना है, तो कंटेंट में जाके देखेंगे अगर आप अवेयर नहीं है तो। क्लियर है बच्चे?